नमस्कार, दोपहर वार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। तीन राज्यों में फतह के बाद अब मंथन हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज बड़ी गहमा गहमी है और अब से कुछ ही देर पहले सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात करके निकले हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक तरफ पुरानी पीढ़ी है जो कि उनमें से कमलनाथ को अगर जोड़ लिया जाए तो इंदिरा गांधी के ज़माने से वफादारों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे और अशोक गहलोत का भी बहुत बड़ा कद है और राजस्थान में कई बहुत सक्रिय रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक तरफ वो पीढ़ी है, एक तरफ पुरानी जनरेशन है जिसको तजुर्बा है, जिसको अनुभव है और जो वफादारी की लिस्ट में बहुत लंबे अरसे से अपने आप को साबित करता रहा है। दूसरी तरफ एक यंग ब्रिगेड है, नई ब्रिगेड है जो राहुल गांधी के खास लोगों में से है। तो अब यहाँ पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या नई ब्रिगेड जो है उसको कमान दी जाएगी या फिर पुराने वफादारों पर ही भरोसा किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा और राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ होपफुली आज इसका फैसला हो जाएगा और इस चीज़ को लेके गहमा गहमी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। डिबेट की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको मेहमानों से रूबरू करा दें। विशाल राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आप भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हरिशन श्रीवास्तव जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनसे भी उनकी राय लेंगे। तो डिबेट की शुरुआत करने से पहले आपको राहुल गांधी का लेटेस्ट जो रिएक्शन है, जो बयान है वो सुनवाते हैं। We are taking input from different people in the party. We are taking input from MLAs. We are taking input from workers. We are getting a comprehensive answer to what the Congress party and others feel. Yeah, of course. You have to see a chief minister soon. तो राहुल गांधी का ये कहना था कि आपको जल्दी पता चल जाएगा कि तीनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक खबर ये आई थी कि राहुल गांधी सोशल मीडिया के ज़रिए और ख़ास तौर से मोबाइल ऐप के ज़रिए, शक्ति ऐप के ज़रिए इन तीनों राज्यों में वहाँ के लोगों का मत जान रहे हैं, वहाँ के लोगों की राय शुमारी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए। निश्चित रूप से बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी सोशल मीडिया विंग को स्ट्रेंथन किया था, उसको स्ट्रांग किया था, उसका फ़ायदा उसको चुनाव में मिला था। कांग्रेस भी उसके पैरेलल चल रही है और स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी कुछ मेहनत की है और उसका रिजल्ट मिला है उसको इन तीन राज्यों में। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहेंगे। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से राहुल गांधी ने और बहुत सौम्य तरीके से आंसर दिया है कि आप लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिसने भी उस ऐप को डाउनलोड किया है वहां पर राहुल गांधी की आवाज़ सुनाई देती है और एक सवाल पूछा जाता है और आपके पास ऑप्शंस होते हैं उसका जवाब देने के लिए। तो कुल मिला जुला के कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कहीं रिफ्ट ना हो ओल्ड वर्सेज यंग जनरेशन का। वीरेंद्र जी देखिए, रमन जी, एक तरह से ये नया प्रयोग है तकनीकी के इस्तेमाल से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता परखी जा रही है कि कौन ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों राज्यों में जो देखने को मिल रहा है कि अनुभव और युवा जोश दोनों एक साथ मौजूद है कांग्रेस के पास ऑप्शन के रूप में, और कांग्रेस जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे। एक बात ये भी आई थी, अगर सिंधिया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया होता कांग्रेस ने तो इससे और ज़्यादा बहुमत से शायद कांग्रेस जीतती, जैसा कि एक कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आई। लेकिन अब चूंकि रिजल्ट आ चुके हैं तो कमलनाथ कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं और स्वाभाविक है उनका दावा मुख्यमंत्री पद पर बनता है। ऐसा लगता है कि रमन जी कि राहुल गांधी किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेंगे और वो दोनों अनुभवी चेहरों को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत, ये दोनों मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव लड़ना है और युवा जोश को उस लोकसभा चुनाव में लगना है। वीरेंद्र जी, एक बहुत अहम सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि अगर पुराने चेहरों को जगह मिलती है मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको जगह दी जाती है, तो क्या नए चेहरों के लिए डेप्यूटी सीएम जैसी कोई सिचुएशन आएगी, इसलिए कि इस तरह के कयास लग रहे थे। हालांकि
इसको खारिज करने वाले लोग भी बहुत हैं और उनका यह कहना है कि वो कांग्रेस इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं देना चाहती है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान था, इसलिए इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। वीरेन जी, अब देखिए, ये डिप्टी सीएम तो अलग अलग पार्टी की अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन रमन जी, चुनौती डिप्टी सीएम बनाने की नहीं है, चुनौती अब चुनाव में जो वादा करके आए हो कर्जा माफी करने के लिए 10 दिन बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान ने वो होगी सबसे। शिवराज सिंह चौहान ने कह भी दिया कांग्रेस अब तो उसके हाथ में सत्ता है, अब कर्जा माफ करने जो भी बने राहुल गांधी को उस वादे को निभाना होगा, उसको जो उन्होंने जनता से किया था मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो कुल मिलाकर यह है कि इशू अब रमन जी सीएम और डिप्टी सीएम का नहीं है, इशू है जनता की उम्मीदों को खरा उतरना, के लिए जो आपने वादे किए थे वो कब पूरे। बिल्कुल, विशाल राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, तीनों राज्यों में कांग्रेस ने काफी मेहनत की है, हम आपसे जानना चाहेंगे चूंकि डिबेट सीएम के चेहरे को लेकर है तो पार्टी की तरफ से तो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक कुछ भी आप नहीं कह सकते, लेकिन जो नेतृत्व है वो क्या चाह रहा है, क्या किस तरह के स्पेकुलेशंस हैं कि पुराने चेहरों को जगह मिलेगी जिनके पास अनुभव है, तजुर्बा है, मुख्यमंत्री रहने का भी तजुर्बा है, या फिर यंग जो ब्रिगेड है उसको उसके हाथ में लीडरशिप दे के कहीं ना कहीं युवाओं को, युवा ताकत को 2019 में इनकैश करने की कोशिश की जाएगी। देखिए रमन जी, जहाँ तक पार्टी नेतृत्व का सवाल है, माने राहुल गांधी जी ने जैसे अभी कुछ देर पहले आपने उनके वक्तव्य को सुनाया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक विचारधारा की पार्टी है, जिस अभी हमारे पर्यवेक्षक से भी राय ले ली गई है, विधायकों से भी राय ले ली गई है और जनता से संवाद स्थापित करने के लिए हमने प्रोजेक्ट शक्ति का सहारा लिया, जिससे कभी ये ना कहे कि भाई किसी प्रकार का कोई मुख्यमंत्री है या कोई किसी का बहुत बड़ा कद है या पुराना एक्सपीरियंस है। तो कुल मिला के जो भी फैसला होगा लोकतांत्रिक तरीके से पर्यवेक्षक द्वारा, विधायकों द्वारा और खुद जनता से संवाद स्थापित करके कि भविष्य में भी 2019 में भी जनता के बीच में जाना है, उनके वादों को भी पूरा करना है, तो इसकी चीज़ को विशेष ध्यान देके। नहीं, लोकतांत्रिक तो नहीं है, क्योंकि कल आपके यहाँ एक विधायक ने राजस्थान में कहा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत करना था तो बैठक क्यों, क्या मतलब है? देखिए, विधायक जी का वो अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मगर जहाँ तक आपने पूरी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा होगा वीरेन जी, आपने देखा होगा कि यदि हम लोग ऐसे कुछ करते तो ना हम लोग पर्यवेक्षक से राय लेते। अच्छा, चलिए विशाल राजपूत जी, ये बताइए, अब एक सवाल आपसे और करते हैं, राजस्थान की बात करें जी। राजस्थान की अगर बात करें तो गहलोत और सचिन पायलट, गहलोत के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं कि 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री, 10 साल, हाँ बिल्कुल, और चप्पे चप्पे की जानकारी है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोनिया गांधी के भी करीबी हैं और राहुल गांधी की टीम का भी अहम हिस्सा है, महासचिव हैं वो जी, और राहुल गांधी की टीम का भी अहम हिस्सा है। और चौथी बात यह है कि माली बहुत बड़े नेता हैं, ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो, जो कि माली तबके से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऊंची जातियों में उनकी स्वीकार्यता है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सचिन पायलट युवाओं में चहेते हैं, 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए थे और 31 साल में मंत्री बने, 33 साल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनकी भी दावेदारी जबरदस्त तरीके से है। और आपको याद होगा जब राज्यपाल के पास गए थे, राज्यपाल को के पास अपने विधायकों का पत्र लेके ये लोग गए थे, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों गए थे वहाँ पर। तो कंसर्न ये है कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा आदमी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश में कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसको निभाने में या फिर जनता को एड्रेस करने में ज्यादा सक्षम साबित होगा? यहां हम नोट कीजिएगा, हम किसी दूसरे नेता को अक्षम नहीं बता रहे, इसलिए कि सबने मिलकर कांग्रेस को जिताया। देखिए, जहां तक रही पार्टी में, मैं आपको बताऊं, अभी भी कोई बयान देना बहुत जल्दबाजी होगी, शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो तो क्लियर हो जाएगा, वो तो राहुल जी क्लियर करेगा। दोनों लोग पार्टी के लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, वो पार्टी के लिए बहुत मजबूती से आने वाले जो चुनाव थे उसमें बहुत ही अपना बहुमूल्य योगदान भी दिया। तो कुल मिला के पार्टी जो भी निर्णय लेगी, पार्टी के कार्यकर्ता, उस प्रदेश की आम जनमानस उसको स्वीकार करेगी। राहुल गांधी से मुलाकात की है अशोक गहलोत ने, वो राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात खत्म हो गई है। हमारे साथ मनोज यादव सपा नेता हैं। मनोज जी, यही सवाल आपसे पूछेंगे, हालांकि आप समाजवादी पार्टी से हैं तो आप ज्यादा निष्पक्ष तरीके से इस पर राय दे सकते हैं। और दूसरा एक अहम सवाल यह है कि कल ही अखिलेश यादव जी ने, जैसे ही नतीजे आए उसके बाद जो ट्वीट किया अपने समर्थन का, मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि कुछ तंज भी कसे उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने समर्थन का ऐलान किया, तो कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका होगी उत्तर प्रदेश में। अभी फिलहाल इन राज्यों में जिस तरह का नेतृत्व दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि यंग ब्रिगेड ज़्यादा बेटर रहेगी या पुरानी ट्रस्टेड, जो उनकी ओल्ड ब्रिगेड है वो ज़्यादा बेहतर होगी? देखिए रमन जी, इस वक्त मौजूदा स्थिति में देश के लगभग 65%
आबादी यूथ की आबादी है, तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। और जैसा मैं इसका आत्मावलोकन कर पा रहा हूं कि कांग्रेस राजस्थान में यूथ को देगी और यहाँ कमलनाथ जी को, और बाकी छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा इशू ही नहीं, दोनों भी दावेदार यंग नहीं है, वो काफी एक्सपीरियंस उनके पास। लेकिन कमलनाथ जी के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस बार 58 सभाएं की थी और 45% टिकट उन्होंने ही तय किए थे, और कमलनाथ जी शुरू से सोनिया गांधी के जमाने से कांग्रेस के वफादार रहे हैं, विश्वास पात्र रहे हैं, और दूसरी बात है कि उनका जनाधार भी रहा है। नहीं, ये देखिए, इसमें दो राय नहीं है। कमलनाथ जी का बिल्कुल 100% श्योर है, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें भी उनको स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन चूंकि यूथ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सचिन पायलट जी को राजस्थान में मौका मिल जाएगा और कांग्रेस ये बैलेंस करके ही चलेगी। अगर ऐसा नहीं करेगी तो निश्चित रूप से युवाओं में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक हताशा होती है, जैसा कि मैं सुबह से वॉच कर रहा हूँ लगातार कई चैनलों पर युवाओं ने तब अपने अपने समर्थकों के साथ जिंदाबाद, और लोगों के अंदर ये बात भी आ रही है कि यूथ को भी मौका मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से कांग्रेस इस बात को नज़रअंदाज। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टी सिंह देव, उसमें से भूपेश बघेल का पलड़ा भारी है, इसलिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी के पसंद। इसके उलट एक बात मैं बता दूं, वहां पे जो वहां के लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें ज्यादातर लोग हैं जो पढ़े लिखे समाज है, जो शहरों में बिलोंग करता है, वो देव साहब के पक्ष में है कि उनको बनाया जाए मुख्यमंत्री। बाकी चूंकि बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, 3.5 लाख किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बैठे नहीं होंगे, 5 साल लगातार काम किया होगा। लेकिन ऐसा मुझे, मैंने अपने भी तमाम सारे लोगों से बात की, जानकारी ली, तो ऐसा लगता है कि वहाँ TS देव सिंह जी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ हरिचंद श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। हरिचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। हरिचंद जी, आज डिबेट का टॉपिक ये है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि शक्ति एक प्रोजेक्ट था कांग्रेस का, उसमें एक ऐप डेवलप किया गया था जिसके जरिए जैसे ही नतीजों की घोषणा हुई उसके बाद से तीनों राज्यों में लगातार लोगों के पास जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया है मैसेजेस आ रहे हैं राहुल गांधी के, और राय पूछी जा रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि चूंकि अब इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी युवा हाथों में है, तो इन राज्यों में युवा हाथों में कमान जाएगी या फिर पुराने जो ट्रस्टेड लोग हैं उनके हाथों में कमान जाएगी? देखिए, अब तो ये पूरी तरह से कांग्रेस नेतृत्व पर निर्भर करता है जी, कि वो उसकी प्राथमिकता क्या है और किन आधार पर वो नेतृत्व वहाँ की सौंपता है, जो तीनों राज्य हैं उसमें किसको और किस तरह के उनके जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटीज है, उसके आधार पे वो किसको, किसके ऊपर भरोसा करते हैं और किसको नेतृत्व सौंपते हैं, ये अब कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर है। बिल्कुल हरीश जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खास तौर से इन दोनों जगहों पे दोनों मुख्यमंत्री काफ़ी लोकप्रिय थे, आपके बीजेपी के जो भी थे, डॉक्टर रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इस बार जो शिकस्त मिली है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पुराने चेहरों की बजाय अब जनता नए चेहरों को देखना पसंद कर रही है, और ये भी एक फैक्टर हो सकता है मुख्यमंत्री के चयन में कांग्रेस पार्टी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेगी? नहीं, देखिए, ये तो इनके निर्णय से स्पष्ट होगा, लेकिन मैं आपको एक दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी। अगर मध्य प्रदेश में आप नोटा में जो वोट गए हैं उसको अगर आप देखें तो वो मुझे लगता है कि जो SC ST एक्ट के वजह से जो लोगों की नाराजगी थी उसके कारण, मैं अभी देख रहा था कि 11 सीटों पर जहाँ कांग्रेस बहुत कम अंतर से, कहीं 350 से, कहीं 500 से, इस तरह के वोटों से जीती है, तो जो जो मध्य प्रदेश की जीत है अगर उसको आप सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो ठीक है, वर्डिक्ट उनके संख्या ज़्यादा जीती है तो वर्डिक्ट उनके पक्ष में है, लेकिन अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम उससे पीछे रही है। और जो छत्तीसगढ़ का सवाल है, वहाँ जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने माओवादियों को क्रांतिकारी कह करके और उनको अपने पक्ष में किया था, वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, और उसके नाते ये जो उनकी सीटें बढ़ी है उसका एक बड़ा प्रभाव है। लेकिन जो कांग्रेस की के लिए जो चुनौती होगी इन दोनों राज्यों में जी, जिस तरह से
शिवराज सिंह जी ने किसानों के हक में बड़े काम किए और जिसका परिणाम रहा कि वहाँ का कृषि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ गोली चलवाना बड़ा काम होता है और मध्य प्रदेश में किसानों पे गोली चलवाना श्रीवास्तव जी बड़ा काम होता है क्या? नहीं वो तो आपकी साजिश थी, वो तो आपकी साजिश थी, तो आपके विधायक का वीडियो वायरल हुआ, तो आपकी साजिश है क्या? हमारे साथ नीरज पांडे दिल्ली से जुड़ चुके हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर से, एक बार आपको रोकेंगे, एक बार उनके पास जाते हैं। नीरज पांडे जी, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपसे। नीरज जी, बहुत हैपनिंग डे है आज और निश्चित रूप से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है और सचिन पायलट भी मिलकर निकले, राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया था कि जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा और एक ऐप का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि उन राज्यों की जनता से भी पूछा जा सके कि सीएम कौन हो सकता है। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेतृत्व, यंग लीडरशिप, यंग चेहरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की स्ट्रेटेजी बना रहा है 19 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए या फिर पुराने ट्रस्टेड लोगों पर विश्वास करने की बात हो रही है? देखिए यहाँ पे ये यंग और अनुभव की बात नहीं है, यहाँ पे वह है पार्टी हित में क्या है। यंग की बात करें तो राहुल गांधी खुद यंग हैं, उनसे ज़्यादा यंग अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप में पार्टी का सीधा फेस हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और वो खुद लीड करते हैं, यूथ को सीधे तौर पर अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ है यंग जो लीडर्स हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे वो सचिन पायलट हों या दूसरे नेता हों, दीपेंद्र हुड्डा हों, या सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, पार्टी अपने हिसाब से हर चीज़ को यूज करती है, किसको कहाँ पर कैसी जिम्मेदारी दी जानी है। रही बात अब राजस्थान की और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर कौन होगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2019 का चुनाव और 2019 में ज्यादा से ज्यादा सीटें आएं और किसके फेस पर ज्यादा सीटें आ सकती हैं, पार्टी में कैसे वो फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे वो इलेक्शन मैनेजमेंट में फंड रेज कर सकते हैं, कैसे वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इन सबको ज्यादा तरजीह दी जा रही। अब ये जो माना जा रहा है राजस्थान के लिहाज से, अभी सचिन पायलट को पहले बुलाया गया, सचिन पायलट मिलकर निकल गए, उसके बाद अशोक गहलोत आए, अशोक गहलोत मिलकर निकल गए, अभी जस्ट वो भी मिलकर निकले हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल जो विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में विधायकों ने, ज़्यादा विधायकों ने किसके पक्ष में मतदान किया, अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें करीब 70 से ज़्यादा विधायकों ने अशोक गहलोत के पक्ष में अपनी बात तो अनुभवी आदमी है, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर्स भी चुनाव जीत कर आए हैं, सीपी जोशी चुनाव जीत कर आए हैं, बीडी कल्ला चुनाव जीत कर आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भवनलाल मेघवाल चुनाव जीत कर आए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा लालचंद कटारिया केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो जीत कर चुनाव आए हैं। ऐसे में सचिन पायलट जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से उन सबसे काफ़ी जूनियर माने जाते हैं, बिल्कुल उनको वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और उस पर अगर आप अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत चूंकि दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ज़्यादातर लोग उनके अंडर में काम कर चुके हैं तो उनके लिए उनको एक्सेप्ट करना आसान होगा। तो पार्टी इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखकर फैसला लेगी। यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार दोनों नेताओं से सीधे संपर्क कर रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं और एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि सचिन पायलट भी नाराज ना हो और जनता भी नाराज ना हो और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका सीधा फायदा भी मिले। तो ये एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो हमारी जो जानकारी है, सूत्रों से जो पता चल रहा है जी, कि कहीं ना कहीं शायद अनुभव को तरजीह देना ही पार्टी के लिए हितकर होगा। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश दोनों जगह स्थिति एक जैसी है। बिल्कुल ठीक बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। एक बार फिर से रुख करते हैं मनोज यादव जी का। मनोज यादव जी, रमन जी एक बात जी जी, जी 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 बोलिए कि ये जो मुलाकात थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, ये फाइनल मुलाकात थी, अब इसके बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। और ये बात जो नीरज जी ने कही वो सही है कि अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम का ही ऐलान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत सीनियर हैं और वो जीत कर आए हैं और युवाओं के लिए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी उनको अपनी टीम के साथ रख सकते हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत और कमलनाथ को फ्री हैंड देंगे वो। बिल्कुल ठीक बात है। मनोज यादव जी जी, जो पुरानी लीडरशिप को अगर कमान मिलती है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अनुभव है, यंग लीडरशिप का 2019 के इलेक्शंस में युवाओं को लुभाने में इस्तेमाल हो सकता है, आपका रिएक्शन चाहेंगे? देखिए निश्चित रूप से पुराने लोगों के पास जो कई बार पद पे बैठ चुके हैं, लोग पदासीन लोग रहे हैं, उनके पास अनुभव होगा, अनुभव की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो यूथ है, यूथ ही किसी भी राजनीतिक दल की जान होती है, विचारधारा मान लीजिए हो सकता हो, लेकिन यूथ को भी मुझे नहीं लगता है कि उसको डिनाई किया जा सकता है। और रही बात कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है,
और जैसा कि जो ये उन्होंने सख्ती ऐप डाउनलोड किया है, इसमें कौन कौन सपोर्ट करेगा? सारे ज़्यादातर लोग तो यूथ इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐप को डाउनलोड करना, ऐप को बताना और ऐप से कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें वो बाजी मार सकते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मुझे ये, मैं बार बार ये, वीरेन जी सीनियर हैं और लंबी पत्रकारिता की है, तमाम सारे लोगों का रिएक्शन बिल्कुल, नीरज पांडे जी का भी, लेकिन मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जगह यूथ को मौका मिल जाएगा, चूंकि मामला तीन स्टेट का है, तो दो में अगर पुरानी लीडरशिप रहेगी तो एक जगह यूथ को मिलने के चांस अच्छे हैं, चूंकि कांग्रेस ऐसा मान के चल रही है। जी विशाल राजपूत जी, आपका रिएक्शन? आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन पुराने चेहरों को जगह मिलती है तो नए चेहरों के लिए भी कोई ना कोई भूमिका तय होगी, खासतौर से 2019 में युवाओं को आकर्षित करने में इनका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए कि मुझे याद है कि जब पहला भाषण कांग्रेस महासचिव के तौर पर राहुल गांधी देने जा रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको पीछे ले जाके उनको गाइड किया था, एक अच्छी खासी दोस्ती रही है, ट्रस्ट रहा है। और जो भी यंग लीडर्स हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद हों, चाहे वो सचिन पायलट हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, राहुल गांधी की पसंद रहे हैं ये लोग। देखिए जहाँ तक युवाओं की बात है और ये भारत देश युवा प्रधान देश है, उनका तो सदैव राहुल गांधी जी ने उनको बढ़ाने का संवारने का काम किया है। हमारी पार्टी में बहुत बड़े बड़े चेहरे ऐसे ही रहे, चाहे जितिन जी का जैसे आपने लिया, राजू सातव साहब हो गए, यूथ कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जिनको सांसद और विधायक बनाने का काम माननीय राहुल गांधी जी ने किया। मगर यहाँ पे जो फैसला है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो भी फैसला होगा एक ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में दिया जाएगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जो आम जनमानस से अपना संवाद स्थापित करके जनता के वादों को पूरा करने का काम करे। चलिए इसके आगे से एक क्वेश्चन करते हैं विशाल राजपूत जी, अब तो चलिए सरकार बन गई, मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा, लेकिन जो चैलेंजेस हैं, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का जो चैलेंज है, इसलिए कि देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कि बहुत लोकप्रिय थे। रमन सिंह को चाउर वाले बाबा बोला जाता था, इनको ये मामा के रूप में मशहूर थे, और ये दोनों मुख्यमंत्री ऐसे थे, खासतौर से शिवराज सिंह चौहान, जिनसे कोई भी आदमी, बिल्कुल आम आदमी आसानी से मिल सकता था। अब कंसर्न ये है कि आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कि इमेज बनने में और बिगड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो जनता की उम्मीदों पर आपको लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होंगी जिनसे कम से कम एक मैसेज आएगा कि चलिए आप जिन्होंने वोट दिया है वो सही दिशा में दिया है। देखिए रमन जी, जहाँ तक जनता के वादों का सवाल रहा, मैं आपको पिछली बातों में ले जाना चाहता हूँ कि जिस तरह राहुल जी ने जो किसानों के दर्द को समझते हुए पूरे देश में 73,000 करोड़ का जो कर्जा माफ़ किया था, तो कहीं ना कहीं जनता को राहुल गांधी द्वारा और खुद 300 रुपये प्रति क्विंटल जो उन्होंने बढ़ाने का काम, ऐतिहासिक फैसला जो था माननीय मनमोहन सिंह के समय में लिया गया था, तो जनता को इतने बड़े बड़े फैसले याद हैं, उनको पता है। आज उन्हीं वादों के उन्हीं संकल्प के साथ जनता ने राहुल गांधी जी को जो इतना बड़ा मैंडेट देने का काम किया है, वो जानती है कि माननीय राहुल गांधी जी गांधी को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जो उन्होंने वादे किए हैं कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का काम करेंगे। रमन जी एक बात देखिए जो समझ में आई कि श्रीवास्तव जी ने माना कि एससी एसटी एक्ट के नाते चुनाव हारे भाजपा मध्य प्रदेश में, यूपी में, देखिए यूपी में एक बड़ी रैली हुई थी अभी हाल ही में, और वो रैली एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत भी हो सकती है। नोटा और एससी एसटी एक्ट को बीजेपी ने माना कि बहुत जो मार्जिन रही हार की 10-15-20 सीटें ऐसी रही है जहाँ 200-300 वोटों से हारे हैं। लेकिन वीरेन जी इससे उलट मैं एक और आंकड़ा आपको बताऊंगा कि जिन सीटों, कई सीटें ऐसी रही हैं जहां बीएसपी के कैंडिडेट ने 25,000 से लेके 46,000 तक वोट पाए हैं, और वहां पर कांग्रेस और बीएसपी दोनों लड़ गई, इसके चक्कर में बीजेपी को सीट मिली है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल, अगर मायावती और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़े होते तो शायद बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता, लेकिन मायावती के अलग लड़ने से बीजेपी को कई जगह फायदा हुआ है। अच्छा हरीश जी, मूल बात यह है कि 11 ऐसी सीटें रही हैं जहां कांग्रेस या बीजेपी जीती है वो, और नोटा को वोट गया है वो नोटा को वोट ज्यादा है और जीत हार का मार्जिन बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है हरीश जी, ये बताइए कि आपके दोनों लोकप्रिय मुख्यमंत्री, चलिए वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में ये होता है और राजस्थान के बारे में भी कहा जाता है, राजस्थान और पहाड़ों में एक टेन्योर एक सरकार का रहता है, एक पार्टी का रहता है, दूसरा टेन्योर दूसरी पार्टी का रहता है, लेकिन इन दोनों जगहों पर लंबे समय से काबिज थे, बहुत सारी योजनाएं चलाई इन लोगों ने, तो आपको क्या लगता है जनता ने क्यों नकारा है? क्या एससी एसटी एक्ट की वजह से नकारा है? क्या ये जो तमाम जो संवैधानिक संस्थाओं में जो विवाद हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंप्रेशन गलत गया है? क्या सरकारी योजनाओं को आम जनता तक नहीं पहुँचा पाए?
क्या विकास की बातों को आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और या फिर कहीं ना कहीं मंदिर का या कहीं ना कहीं इस तरह के पोलराइजेशन का जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं लोगों को नाराज कर गया, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए रमन जी, जी सबसे बड़ा कारण तो एंटी इनकमेंसी फैक्टर था, 15-15 साल दोनों सरकारें रही थी, और जहां तक योजनाओं का लाभ है, अगर योजनाओं का लाभ न मिला होता तो यूपीए सरकार में इन दोनों राज्यों को, मैं भाजपा सरकार की बात तो अलग है, मैं यूपीए सरकार की बात कह रहा हूँ, इन दोनों राज्यों को लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर के पुरस्कार यूपीए सरकार ने दिए थे, और जो चाहे एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो या जो अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम है, उन सारे पैरामीटर्स पे अगर आप देखें तो जो आम आदमी के कंसर्न को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया, चाहे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हो, चाहे खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे आप ये देखिए कि जिस तरह से जीरो तो फैक्टर क्या रह गया, क्या रह गया, उपलब्ध कराया, देखिए मसला हार का क्या रह गया, इसलिए कि देखिए एंटी मसला तो एंटी इनकमेंसी, मेरी बात सुनिए, मसला तो सरकार थी तो वही 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 बता रहा हूं, एंटी इनकमेंसी मसला तो केवल एंटी इनकमेंसी है नहीं, एक बात बताइए, और मध्य प्रदेश में जो नोटा का हमने वो देखा, वो कहीं ना कहीं जो एससी एसटी के लेकर के एक्ट को लेकर के जो कुछ लोगों में नाराजगी थी, उन्होंने अगर हम उन 11 सीटों को भी मान लें तो भी भाजपा की सरकार बन जाती, चलिए, और बहुत मार्जिन से ये जो सीटें हमने हारी हैं वो बहुत मार्जिनल वोटों से हारी है, कहीं हजार से, कहीं दो, भोपाल की एक सीट तो केवल 6 वोटों से हारी, बिल्कुल, चलिए एक लास्ट लास्ट इलेक्शन, तो उसको एक 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 आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे हरिचंद श्रीवास्तव जी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्षों के साथ, जो कि 6-7 घंटे चलेगी, उसमें अमित शाह जी भी रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, और एक तरह से मंथन 2019 हार के कारणों की समीक्षा भी की जाएगी, मंथन भी होगा और 2019 की स्ट्रेटजी भी तैयार होगी, तो एक लाइन में एक स्टेटमेंट आपका चाहेंगे कि 2019 में अगर यूपी के संदर्भ की बात करें तो यूपी में देखिए आपने ये माना कि SC ST एक्ट को लेकर नाराजगी है, यूपी में भी है वो चीज़, और यूपी पे बहुत बड़ा फोकस रहेगा, जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा सीटें आपको हासिल हुई थी यहाँ से, तो इस बार स्ट्रेटजी क्या होगी, किस किन चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, इसलिए कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सवर्णों को नाराज करने, सवर्ण नाराज हुए उसका चैलेंज है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और यहाँ पर दलितों ने भी वोट नहीं दिया, आपको क्यों नहीं दिया, इसका भी एक बड़ा चैलेंज है, विकास की चीजें वहां तक पहुंची या फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया या फिर लोगों तक वो वोटर टर्नआउट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत सारे चैलेंजेस है, क्या लेके जाएंगे आप जनता के बीच? देखिए हम तो हमारा तो मुख्य मुद्दा विकास और सुशासन है, हम जनता के जो हमने जो 2017 में 2014 में जो हमारे सम्मानित नेतृत्व ने जो देश की तो तीन राज्यों में आपका सुशासन और विकास कहाँ चला गया, जो भरोसा दिया था बताइए ना, उस भरोसे को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में, हम जनता के बीच जाएंगे, व्यापम भी भूल गए आप बीच में मत बोलिए, जो बीच जो में कहा बोल रहे हैं, सवाल है उनका जवाब आपका जब टर्न आएगा तो आप बोलिएगा, बहुत सारे जो किसानों को और महिलाओं के साथ जो वादे किए थे, हमारा टर्न आ जाएगा, आपका टर्न तो खत्म हो गया भाई, आपका वो झूठे आदेश सपा और कांग्रेस करती है, आप झूठे आदेश सपा और धन्यवाद करती है, हरिचंद श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल राजपूत जी, मनोज यादव जी, वीरेंद्र सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक चीज देखनी होगी यूपी में के महागठबंधन की शक्ल क्या होती है, इसलिए कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना अभी से शुरू कर दिया है, और उपचुनाव में विजय के बाद भी अभी तक विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा नजर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे ईगो क्लैशेस हैं, वो कब खत्म होंगे और क्या शक्ल होगी उसकी, ये देखना बाकी, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।